स्क्रीन पर दिख रहा ये वीडियो अयोध्या का है। राम मंदिर बनने के बाद से अयोध्या खूब चर्चाओं में रहा। अयोध्या के विकास पर खूब टिप्पणियां हुई। हालांकि मॉनसून की शुरुआती बारिश ने ही अयोध्या का सारा विकास धो दिया। श्रद्धालुओं, पुजारियों और अयोध्या के लोकल निवासियों को बारिश के बाद हुए जलभराव के कारण बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। अब ये चिंता और बड़ी बन सकती है। दरअसल अयोध्या जल प्रशासन के अनुसार सरायू में पानी का स्तर तेजी से बढ़ रहा है और ये बाढ़ की वजह भी बन सकता है। लोकलिटी ने केंद्रीय जल आयोग के अधिकारी अमन चौधरी से खास बातचीत की। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। अभी मौके पे 9 बजे का जो 91,580 चल रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से अभी 15 सेंटीमीटर नीचे चल रहा है और खतरे के निशान से 1 मीटर 15 सेंटीमीटर अभी मौके पे नीचे चल रहा है जलस्तर सरयू नदी का। तो प्रतिदिन का क्या स्टेटस ये? अभी पहले तो 2-2, 3-3 सेंटीमीटर बढ़ रहा था, अभी मौजूदा समय में 1-1 सेंटीमीटर बढ़ना स्टार्ट हुआ है। थोड़ा कम हो गई है स्पीड। ऐसा है कि पहले तो ज़्यादा बढ़ी है, जो भारी मात्रा में बारिश हुई पहाड़ों पर उसकी वजह से भी, और प्लस मैदान तराई क्षेत्रों में काफ़ी बारिश हुई है जिसकी वजह से पानी बढ़ा है और बैराज से भी पानी छोड़ा गया काफी मात्रा में। बाढ़ से निपटने के लिए अयोध्या जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। साथ ही अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करने आए राम भक्तों से अपील भी की जा रही है कि गहरे पानी में स्नान करने से बचें। खतरे से निपटने के लिए वही सब लोग इंतजाम किए हैं कि कोई नदी में इस तरह बिना लाइफ जैकेट वगैरह पहन के ना जाए, और भी प्रोटेक्शन वगैरह नदी पे नहाने के लिए लगाया गया है कि जिससे कोई उस तरह ना आ जाए नदी में। जल आयोग की तरफ से किस प्रकार के संदेश जो है? संदेश यही है कि मतलब लोग सुरक्षित होके जाएं, कहीं भी जाएं अगर पानी में तो लाइफ जैकेट पहन के जाएं। अगर नाव से भी जा रहे हैं सावधानी से, वैसे जाने लायक नाव से भी है नहीं इस समय, खतरा मतलब ज़्यादा है संभावना। फिलहाल सरायू नदी का जलस्तर 91.580 सेंटीमीटर चल रहा है, जो कि वार्निंग लेवल से 15 सेंटीमीटर नीचे है। हालांकि बारिश के चलते ये लेवल हर रोज 1 से 2 सेंटीमीटर बढ़ रहा है, जिसकी वजह से ये एक चिंता का विषय बन सकता है। फिलहाल अयोध्या प्रशासन अलर्ट पर है। अयोध्या से लोकल 18 के लिए सर्वेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।